फ्रेंड्स एंड जय माता दी। आप सबको शनिवार की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। आज भगवान करे आप सबका दिन आज बहुत ही शुभ हो। दोस्तों, हम अक्सर बुरी नज़र की बात करते हैं। अपने घर के बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि शुभ कार्य में काले कपड़े मत पहनो, काला रंग का ये मत करो, काला वो मत करो। जहाँ तक हो सके काले रंग का उपयोग शादी में, पूजा पाठ में नहीं किया जाता है, क्योंकि काले रंग को हम नेगेटिविटी का प्रतीक मानते हैं, नकारात्मकता, ऐसा कहते हैं कि चारों ओर फैल जाती है। लेकिन जैसे ही बुरी नज़र की बात आती है तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं? काला। दोस्तों, बुरी नज़र से बचने के लिए काले रंग से जुड़ी हुई बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। काला धागा, काला टीका, काला तिल प्राचीन परंपरा से हमारी चली आ रही है और ये आज भी प्रचलित है। तार्किक लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसे नहीं माना जाना चाहिए, पर कहीं कहीं पे साइंस ने भी इसको बोला कि ब्लैक रंग हमारी बॉडी की नेगेटिविटी को, हमारे बॉडी में नेगेटिविटी को रोकने घुसने से रोकता है। सामान्य लोगों के अनुसार काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण जो नज़र लगाने वाला है उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आती। छोटे बच्चे, लड़कियों की सुंदरता, किसी को भी बुरी नज़र से बचाने के लिए उन्हें काला धागा बांधा जाता है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, विशेषज्ञों के अनुसार काला धागा बांधने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलकर बनने वाली ऊर्जा ही या एनर्जी ही हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे जो मिलती है हमें एनर्जी, वही हमें सुविधाओं को प्राप्त कराती है। और जब किसी इंसान पर नज़र लग जाती है, बुरी नज़र पड़ जाती है, और तो हमारी सुख सुविधाएं हमसे दूर होने लगती है। हमारे 5 तत्वों से मिलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए गले में काला धागा बांधा जाता है। अगर हम बुरी नज़र से बचने के लिए काले धागे की प्रयोग की बात करें तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि काला रंग उष्मा का अवशोषक होता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्बर होता है। ये माना जाता है कि काला धागा बुरी नज़र को या बुरी ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है, वह उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, काले धागे से बहुत सारे टोटके भी जुड़े हुए हैं। अगर आप माला माल होना चाहते कि आपके वारे न्यारे हो जाएं दोस्तों, तो एक छोटा सा आसान सा प्रयोग काले धागे का आज आपको बता रही हूँ। ये टोटका आपके भाग्य को बदलने में सक्षम है। जब भी हमारी खुशियाँ दुख में बदल जाए या हमेशा प्राप्त होने वाला धन लाभ अचानक धानी में बदल जाए या परिवार में आपसी तालमेल बिगड़ जाए, ऐसी घटनाएं होने लगे जो आपको हर तरफ से दुखी कर रही है, आपके परिवार या आपकी जॉब या आपकी व्यवसाय, किसी को भी बुरी नज़र लगी हो, इनसे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हम ज्योतिष में बताते हैं। दोस्तों, इनमें से एक टोटका ये है कि किस्मत और पैसों के लिए रेशमी या सूती धागा लाकर बाजार से घर ले आएं और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शाम को ये धागा हनुमान जी के मंदिर लेके जाएं। इस धागे में 9 छोटी-छोटी गांठ बांध लें। इस धागे पर हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लें। इस धागे को अब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या तिजोरी पर बांध दें। इससे आपके घर में पैसों की आवक बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे कमाल दोस्तों, कैसा चेंज आ गया है। ये एक अद्भुत प्रयोग है, एक अनुभूत प्रयोग है दोस्तों, और कई लोगों ने इसके जरिए अपने भाग्य को मनोवांछित दिशा में मोड़ने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, ध्यान रखें, काला रंग अवशोषक शक्ति का प्रतीक है, एब्जॉर्बेंट एनर्जी का प्रतीक है, और जो बाहर से जो प्रभाव आते हैं, गलत प्रभाव, उनको एब्जॉर्ब कर यथाशक्ति बनाए रखता है आपकी घर की, आपके शरीर की पॉजिटिविटी को। काले रंग की उपस्थिति में ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। ऐसे में शरीर के विभिन्न अंगों पर काला धागा बांधने या काजल का टीका लगाने का एक वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक रीजन ये भी है।
जब भी कोई नया मकान हम बनाते हैं तो उस पर काले रंग का मटका लगा देते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही निगेटिविटी का प्रतीक होने का कारण ऐसा ही माना जाता है कि काला रंग, गलत चीज जो काली चीज है उसको काला रंग ही रोक सकता है, निगेटिव को निगेटिव ही एब्जॉर्ब कर सकता है। अक्सर हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों, सुंदर लड़कियों, सुंदर लड़कों कहीं ना कहीं काला तिल लगा के रखते हैं या काला टीका या काला धागा बांध के रखते हैं। इसके पीछे भी यही परंपरा है दोस्तों, यही वजह है कि सभी जल्दी ही आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों से, बच्चों से, सुंदर लोगों से, तो एक टक देखते रह जाते हैं ऐसी नजरों से लोगों पे। जो भी बच्चे हैं या सुंदर लड़के लड़कियां हैं उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए काला टीका लगाना या काला धागा बांध देने से काले रंग पे नजर टिक जाती है, जिससे बुरी नजर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि क्यों आपको काला धागा कैसे कैसे पहनना और क्या पहनना है ताकि आप बुरी नजर से बच जाएं। काला धागा हाथ या गले में बांधने से एक तो नजर लगाने वाले इंसान की दृष्टि को भंग करता है, जिससे नजर का असर आपके ऊपर नहीं होता। जो लोग गले या हाथ में काला धागा पहनते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव हो जाता है। काला धागा पहनने से इंसान एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव करता है। यदि रात में डरावने सपने आते हों तो काला धागा किसी को भी पीड़ित को अभिमंत्रित करके उसको पहना दें। दोस्तों शनि के दोष से बचने के लिए भी इंसान को काला धागा पहनना चाहिए, इससे शनि का प्रकोप इंसान पर नहीं पड़ता है। काला धागा पहनने से वैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, यानी एनर्जी को, गर्माहट जो होती है ऊष्मा मीन्स वार्म्थ, उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए काला धागा बुरी नज़र व हवाओं को अवशोषित कर देता है, जिसका असर हमारे शरीर को नहीं होता। एक तरह का दोस्तों हमारे लिए सुरक्षा कवच है ये। बुरी आत्माओं से बचने के लिए भी माना जाता है काला धागा पहनना चाहिए। तंत्र में ऐसी मान्यता है कि जो इंसान अपने गले या हाथ में काला धागा बांधता है उसे कभी भी बुरी आत्माएं परेशान नहीं करती है। दोस्तों इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है। जब इंसान पर बुरी नजर लगती है तो शरीर को ऊर्जा देने वाले ये 5 तत्व काम करना बंद कर देते हैं और हमारी सेहत पर असर पड़ने लगता है। इसलिए बुरी हेल्थ से बचने के लिए, बीमारियों और रोगों से बचने के लिए हाथ में काला धागा पहने तो आपके 5 तत्व पूरी तरह काम करते हैं। इसको आप गले में काले रंग के धागे में किसी धातु या लाल कपड़े का टुकड़ा डाल के भी पहन सकते हैं। ताबीज बना करके, जिसको हम कहते हैं दोस्तों, कई लोग इसको हाथ पर बांधते हैं ताबीज को, कोई गले में पहनते हैं। यूजुअली सभी छोटे बच्चों को अनिवार्य रूप से ताबीज बांधा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। कई लोग तावीज पहनने को अंधविश्वास मानते हैं तो कई लोग इसको शुभ भी मानते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी माने जाते हैं बहुत सारे फायदे होते हैं। तावीज या तावीज जैसी चीजें बांधने या रखने की परंपरा लगभग हर धर्म में आती मानी गई है। हमारे देश की बहुत ही प्राचीन कालीन परंपरा है दोस्तों, जिसे आज भी अधिकांश लोग मानते हैं, और तावीज बांधने से माना जाता है काले धागे में बुरी नजर नहीं लगती है। दोस्तों आप इन्हें मंत्रों से भी सिद्ध कर सकते हैं तावीज को। तावीज कोई भी मेटल की हो सकती है, सोने की, चांदी की, तांबे की। इसके अंदर यूजुअली भभूति, कोई भी भभूति या भोजपत्र जिसमें कोई मंत्र लिखा हो, कोई सिंदूर, काफी लोग इसमें तांत्रिक वस्तुएं रखते हैं। कपड़े या डिब्बी में कोई मंत्र लिख करके इसके अंदर डाल देते हैं। तावीज में एक काला धागा होता है और धागे में कपड़े या धातु की छोटी सी डब्बी होती है जिसमें हमने वो भोजपत्र, भभूति, सिंदूर या कुछ भी रखा होता है। ऐसी मान्यता है कि तावीज बना के पहनने से भी वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती है।
तावीज का ये काला धागा हमें बुरी नजरों से बचाता है और तावीज का मंत्र लिखा भोजपत्र या भगवान की भभूति या सिंदूर आदि मंत्रों के बल सिद्ध किए होते हैं, तो जो धारण करने वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहते हैं। इसके शुभ प्रभावों से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे काले धागे का उपाय बताया है आपको। ले आइए काला धागा और पहन लीजिए आज उसको दोस्तों, भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाके उसको चढ़ा के थोड़ा सिंदूर लगा के पहन लीजिए, हाथ में पहन लीजिए, पाँव में पहन लीजिए, जहाँ आपकी मर्जी हो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे विपदाएं आ रही है तो आप उसमें नौगांठ लगा के अपने घर के बाहर बांध लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, अपने परिवार वालों से शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, आपको नहीं पता कब किसको क्या काम देने वाला है। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी सैटरडे एंड गुड बाय। जय माता दी।